अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहला मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सूरत आज़ादारी के सब वीडियोस और अपडेट मिलती रहे। और अब ये ऑलमोस्ट हमारी ज्यारत जो सूरत से सेलवास की ज्यारत ऑलमोस्ट कंप्लीट होने की पे है। ये हमारे जो जव्वार जो वॉकिंग डिस्टेंस कंप्लीट करके आए हैं, 135 किलोमीटर का डिस्टेंस इन्होंने क्लियर किया है। ये इनका आखिरी है। ये सामने मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का रोज़ा दिख रहा है। ये मौला के जव्वार आए हैं। माशाल्लाह, मौला इनको सलामत रखे और आगे आते साल इससे भी अच्छा चलने का और इससे तादाद इससे ज़्यादा मजबा आए वैसी हिम्मत दे इनको। माशाल्लाह माशाल्लाह, मौला सब नन्हे आज़ादार सब बहुत ही बहुत माशाल्लाह, मौला सलामत रखे इन जव्वारों को, इनके फेरों को और ताकत दे ताकि ये और अच्छी से आते साल इनसे अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए करे। अच्छा, ये जो एक जव्वार है इनकी तबीयत बहुत ही ख़राब है तो भी वो उनके जज्बे को सलाम है, वो उनकी वॉकिंग कंप्लीट कर रहे हैं। मौला सलामत रखे इन जव्वारों को। ऑलमोस्ट वो रोज़े की तैयारी है, सेलवास का रोज़ा आने की है। सूरत से ये रोज़े के लिए इन्होंने वॉकिंग किया था। सूरत से तकरीबन 135 किलोमीटर का डिस्टेंस है ये रोज़े मुबारक का, जो अभी फ़िलहाल ख़त्म होने के इस पे है। मौला सलामत रखे इन आज़ादारों को और ताकत दे, अच्छी से अच्छी ताकत दे के आते साल इससे भी अच्छे लोग इस प्रोग्राम में शिरकत करें और शामिल हो। मौला सबको सलामत रखे। आई थिंक 45 लोग आए थे इस रोज़े पे वॉकिंग करके, जिनकी वॉकिंग अभी कंप्लीट हुई है। मौला सलामत रखे सब जव्वारों को, बहुत ही सलामत रखे और बहुत ही हिम्मत दे इन सभी जव्वारों को, हिम्मत दे। मौला सलामत रखे इनके जज्बे को। माशाल्लाह ये रोज़े की